All right, a big shocker being reported from Bihar. This is in Augatia, where angry mob seems to be chasing the police there. And the police who were on duty allegedly have been attacked during the raids that they were conducting. And now the locals have been saying that it was the police who at first assaulted them. But right now the police have been alleging that they were only doing their duty and they were conducting searches and raids. And to that effect, the locals there got angry with the police action and thereafter began to attack the police in return. Very dramatic pictures that are coming in of this late night operation that has been carried out by the police, and it seems that they are themselves now being chased by the people there, by the locals there. Remains to be seen exactly what this story is all about, but this is the mob attacking the police personnel in Bihar's Naugatchia, and there have been several allegations that have been raised on the police itself on the raids that are being carried out. Remains to be seen what the purpose of the raids, but this is a mob attack against the police personnel, and during a raid that they were conducting at the residence apparently of an accused in Dimaha village of Bihar's Naugatchia on Thursday night. Saket hamare paas jud rahe filhal phone line par. Saket, bahut dramatic tasveer आ रही है सामने, पता चल रहा है कि एक्चुअली जो भीड़ है, जो लोग है, वो पुलिस पर अटैक कर रहे हैं, आखिरकार क्यों? देखिए, ये नौगछिया है, भागलपुर जिले के नौगछिया का ये मामला है, जहां पर पुलिस गई थी एक शख्स की गिरफ्तारी के लिए, और वहां पर जब एक घर में जाकर पुलिस ने पूछताछ की और वहां पर महिला के साथ जो आरोप लगाया जा रहा है कि मारपीट की गई, उसमें एक छोटे बच्चे का, जो 6 महीने का बच्चा था, उसे भी पुलिस के द्वारा जो मारपीट की गई उसमें उसे चोट लगी, उसके बाद पूरा जो गाँव है वो आक्रोशित हो गया और गाँव के लोगों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। जो पुलिस की टीम वहां पर गई थी उस पर हमला किया गया, जिसमें जमकर पिटाई एक पुलिस कर्मी की कर दी गई वहां पर, और उसके बाद जब पुलिस टीम फिर से लौट कर गई और वहां से बड़ी संख्या में पुलिस बल उस गांव में पहुंचा और वहां पर लोगों को जमकर, जो गांव के लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन लोगों की पिटाई कर दी गई जमकर, जिसमें कई लोग घायल है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे भी इस पुलिस की मारपीट में घायल है। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो लगातार सवाल उठ रहा है, जिस तरह से बिहार में सिचुएशन है और पुलिस पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं, और जो पुलिस का रिएक्शन भी देखने को मिला, आप समझिए कि महिलाओं और बच्चों को भी पुलिस ने उस इलाके में नहीं छोड़ा, उन पर भी लाठियां चलाई गई, ये बड़ा सवाल है। और ऐसे में अब आगे इस पर क्या कुछ अपडेट है ये पुलिस प्रशासन की तरफ से बताया जाएगा। तो क्या पुलिस का कोई वर्जन सामने आ रहा है, आखिरकार ये रेड, ये सर्चेस क्यों कैरी करे गए थे और रात को क्यों पहुंचे थे वहां पर? बताया जा रहा है ये किसी केस में अक्यूज्ड के घर जा पहुंचे थे, वहीं पर ये सब लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, तो पुलिस का वर्जन क्या कहता है? देखिए, बिल्कुल, पुलिस अभी ऑन रिकॉर्ड कोई भी बयान देने से बच रही है, क्योंकि ये मामला जो है वो अब काफी तूल पकड़ चुका है, और ऐसे में पुलिस इस पर खुलकर कुछ नहीं करी। लेकिन जो बातें सामने आ रही है कि एक्यूज्ड को ही पकड़ने के लिए पुलिस की टीम वहां पर गई थी और इसी दौरान ये पूरा जो हादसा है वो हुआ है।